नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। तो कॉन्स्टिपेशन होता क्या है? डिफिकल्ट, पेनफुल और इनफ्रिक्वेंट डेफिकेशन, जिसमें कि पेशेंट को जो है मोशन पास करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, दर्द होता है, दो दो तीन तीन दिन तक पेशेंट मोशन पास नहीं कर पाता है और उस वजह से जो है पेशेंट को फिजिकल और मानसिक प्रॉब्लम्स होती है। पैलिएटिव केयर में देखा गया है कि 50% मरीज जो हैं वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से परेशान होते हैं और उसमें से 80% मरीजों को हर दिन लैक्सेटिव की जरूरत पड़ती है मोशन पास करने के लिए। तो ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन पैलिएटिव के। इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं रूटीन लाइफ में? इससे बहुत ही डिप्रेसिंग सिम्टम्स आते हैं। जो पेशेंट एल्डरली पेशेंट हैं उनमें देखा गया है कि पार्किंसंस पेशेंट में डिलेरियम का सबसे जो कॉमन कारण है वो कॉन्स्टिपेशन होता है। उसके अलावा जो पेशेंट जिनको कोमॉर्बिडिटी है इश्केमिक अटैक्स की, तो वो इसको प्रेसिपिटेट करता है। उनके अलावा और मरीजों में जो है इनमें फिशर होने का, ब्लीड होने का, पेन होने का, हर्निया होने का, ये सब बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। पेनफुल हार्ड स्टूल पास होने की वजह से पेशेंट प्रेफर करते हैं कि हम कुछ खाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं तो मोशन आएगा ही नहीं, जिस वजह से पेशेंट खाना छोड़ देते हैं। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा जो है जब मोशन पास नहीं होते हैं तो पेशेंट को वॉमिटिंग होने के चांसेस होते हैं। एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं स्पूरियस डायरिया। जब मोशन जो है इम्पेक्टेड रहता है लंबे टाइम तक, तो पेशेंट को एक टाइप का डायरिया होता है जिसको हम स्पूरियस डायरिया कहते हैं। वो एक्चुअल में एक तरह का डायरिया नहीं है, बट फीकल इंफेक्शन की वजह से होने वाला एक डायरिया है। उसके अलावा जो है पेशेंट का एब्डोमेन डिस्टेंशन रहेगा, एब्डोमेन कोलिक पेन होगा, विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दिखेंगे। सो दिस इज बेसिकली ओवरफ्लो डायरिया, सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा जो है पेशेंट्स में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है कि जब फीकल इंफेक्शन होता है रेक्टम में और वो प्रेस करता है आपकी यूरिथ्रा कैनाल को, उस टाइम पे जो पेशेंट को है इनकॉन्टिनेंस होगा। चाहे वो फॉलिस कैथेटराइजेशन भी हो तो पेशेंट का जो है ओवरफ्लो होगा, क्योंकि जो उसका कैथेटर है वो कहीं ना कहीं पिंच कर रहा है ड्यू टू हार्ड स्टूल। विजुअल पैरास्टाल्टिक मूवमेंट्स के साथ साथ में कई बार देखा गया है कि जो पेट से गुड़गुड़ के साउंड्स आते हैं वो उस साउंड्स के साथ में क्रैम्प्स होंगे। दैट मीन्स आपकी जो इंटेस्टाइन है वो मोशन को पुश कर रही है आगे। तो इंटेस्टाइन मोशन को आगे पुश कर रही है और उसमें जो गैसेस हैं उनकी वजह से वो आवाजें आ रही। लेकिन जब ऐसी कंडीशन में ये पेनफुल होती है, उस कंडीशन में ऐसा पाया गया है कि इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से जो है पेशेंट मोशन पास नहीं कर पा रहा है। ऐसी कंडीशन में हम कभी भी कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं देते हैं जो उस कंडीशन को और ज्यादा वर्सन कर दे, जैसे कि बल्क फॉर्मिंग मेडिसिन हो गया, लैक्सेटिव हो गया, या फिर कोई भी टाइप के एनीमा हो गए। ऐसी कंडीशन में प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद ही जो है कोई डिसीजन लिया जाता है। ये तो बात हुई कॉन्स्टिपेशन की कि क्या होता है और उससे क्या इम्पैक्ट होते हैं, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके कारण क्या है, कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। तो उसके कुछ कारण होते हैं कि कुछ तो होती हैं दवाइयाँ, उन दवाइयों के बारे में हम बात करेंगे। कुछ कोमोर्बिडिटीज होती हैं जो पेशेंट ऑलरेडी जिन कंडीशन से सफर कर रहा है वो उसको और ज्यादा बढ़ाती हैं। सो देयर आर सम कॉमन ड्रग्स जो हमने अपने पेशेंट से हिस्ट्री में पूछना है कि अगर पेशेंट हमारा कोई भी इनमें से दवाइयाँ रूटीन बेसिस पे ले रहे हैं, जिसमें सबसे टॉप पे आते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स, एंटी साइकोटिक्स, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स, एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, एंटासिड विच कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट, एग्जाम्पल डाइजीन, आयरन सप्लीमेंट्स, कैल्शियम एंटागोनिस्ट्स एंड डायोरेटिक्स। कुछ डिसीज कंडीशंस हैं जिसमें मेलिग्नेंसी जो कैंसर है बॉडी में स्प्रेड हो गया, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। कुछ मरीजों में जो और दूसरी तकलीफ हैं वो भी कॉन्स्टिपेशन को जो है बड़ा कारण होती हैं, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज, कोलाइटिस एंड पार्किंसनिज्म। उसके अलावा जो है पेशेंट में कुछ जनरल कंडीशंस जो टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं, लाइक डिप्रेशन, डिप्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन का। इनएक्टिविटी, जो पेशेंट लंबे टाइम से बेड रिडन है जिनकी एक्टिविटी बहुत ही पुअर है। लो फाइबर इनटेक, जो ज़्यादातर लिक्विड डाइट पे हैं, फाइबर्स नहीं जा रहे हैं। एंड फ्लूड लॉस, जैसे कि वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा हुई है कि बॉडी से फ्लूड लॉस हो गया है और वो कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है।
तो जब पेशेंट जो है हमारे क्लिनिक में आते हैं और हमसे कंप्लेन करते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, तो हमारा अप्रोच जो होता है वो होता है एक प्रॉपर हिस्ट्री लेना, जिसमें हम पेशेंट की प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, कंप्लीट हिस्ट्री के पेशेंट क्या क्या मेडिसिन ले रहा है, उसके अलावा जो है पेशेंट को क्या और कंडीशन है, कोमॉर्बिडिटीज क्या है जो कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा सकते हैं। सेकेंड जो होता है कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें फर्स्ट होता है पर रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसमें रेक्टम में जाके देखते हैं कोई इम्पेक्टेड हार्ट स्टूल तो नहीं है, और है तो अपर एरिया में है या फिर जो रेक्टम है वो ओवरलोड हो रहा है। उसके अलावा सेकेंड जो होता है वो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें एब्डोमन में देखते हैं कोई डिस्टेंशन तो नहीं है, विजिबल पैरास्टाल्टिक मूवमेंट्स तो नहीं है, गुड़ गुड़ के साउंड्स तो नहीं आ रहे हैं क्रैम्प्स के साथ में, जो इंडिकेट करता है कि पेशेंट को कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। फिर हम रेडियोग्राफी इमेजेस की बात करते हैं, जिसमें पेशेंट को इरेक्ट एब्डोमेन एक्सरे एडवाइस किया जाता है, जिसमें पता चलता है कि पेशेंट को कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। और फोर्थ जो होता है ब्लड इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जिसमें हमें सीरम कैल्शियम और थायराइड के टेस्ट होते हैं, उनको देखा जाता है। अगर आप किसी भी इस तरह की समस्या से पीड़ित हैं तो नीचे दिए गए हमारे नंबर से आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू।